हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे तथा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2020-21 की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो शुरू करने पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के ऑल बटन को दबाएं। साथ ही हमारी वीडियो की डिटेल आपको हमारी वेबसाइट www.apexstudy.co.in में मिल जाएगा, वहां जाके भी उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माटी त्यौहार छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है चैत्र माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हरेली का पर्व कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? सावन के अमावस्या में मनाया जाता है। अमावस्या की जगह कभी कभी आपको कृष्ण पक्ष भी लिखा मिल सकता है, तो भी बात एक ही है। अगली बात है, छत्तीसगढ़ में पारंपरिक तौर पे किसानों द्वारा बीज की बुआई का काम कब शुरू किया जाता है? तो कब किया जाता है? अक्षय तृतीया, ठीक है, या अक्ति से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार के दौरान किस जानवर की पूजा की जाती है? तो किसकी की जाती है? बैल की पूजा की जाती है। और आप लोग देखे भी होंगे बैल के जो है छोटे छोटे मिट्टी खिलौने भी बिकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में माताओं द्वारा अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? हल षष्ठी, ठीक है, इसको कमर छठ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस जाति के लोगों द्वारा देव उठनी पर्व में नाच किया जाता है? तो देव उठनी त्यौहार के समय में नाच कौन करते हैं? राउत नाचा किया जाता है, राउत जाति अथवा यादव जाति के लोगों के द्वारा, ठीक है, राउत नाचा होता है, घर घर जाया जाता है इनके द्वारा। अगला है, छत्तीसगढ़ में आंवला पूजा कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? शुक्ल पक्ष नवमी को, इसको आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बस्तर में गोंचा पर्व के दौरान क्या आयोजन किया जाता है? तो क्या किया जाता है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करेंट अफेयर जो है प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रोजाना डाले जा रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। चलिए अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषक अपने खेती के औजारों की पूजा करते हैं? तो कौन सा ऐसा त्यौहार होता है जहाँ किसान अपने खेती के औजार जो होते हैं, हल होता है, फावड़ा होता है, कुदाली होता है, रापा होता है, हसिया होता है, कई सारे होते हैं औजार, इनकी पूजा करते हैं, कब करते हैं? हरेली के त्यौहार में, ठीक है, इसे गेड़ी पर्व भी कहते हैं, बच्चे गेड़ी बना के गाँव में घूमते हैं, पता है आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल षष्ठी पर्व में महिलाएं किस अनाज का उपयोग करती हैं? तो किस अनाज का करती हैं? पसहर चावल, ठीक है, पसहर चावल, इसको अक्षर चावल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नाग पंचमी के दौरान छत्तीसगढ़ में कहाँ प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? जांजगीर चांपा में किया जाता है, जांजगीर चांपा के दलहा पहाड़ में इसका आयोजन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं द्वारा नारियल फेंक प्रतियोगिता किस त्यौहार में की जाती है? तो कब की जाती है? हरेली त्यौहार के दौरान नारियल फेंक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। हरेली त्यौहार जो है श्रवण अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा त्यौहार है जहाँ महिलाएं अपने मायके में रह के पति की दीर्घायु हेतु व्रत रखती है? तो कौन सा त्यौहार है? तीजा, ठीक है, या फिर इसको हरी तालिका के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार के अवसर पर शिव पार्वती के प्रतीकों की पूजा की जाती है? तो किसकी की जाती है? कौन सा त्यौहार है? गौरा गौरी विवाह, ये जो त्यौहार मनाया जाता है जो कि दीपावली के समय मनाया जाता है, गौरा गौरी विवाह, इसमें शिव पार्वती का विवाह रचाया जाता है। और ये कौन मनाते हैं? गोड़ जनजाति के लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छेर छेरा त्यौहार का आयोजन छत्तीसगढ़ में कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है,
पौष पूर्णिमा के समय ये छेरछेरा त्यौहार किया जाता है नई फसल के आने की खुशी में। अगला प्रश्न है, मातर त्यौहार के दौरान खेड़हर देवी का निर्माण किस वस्तु से किया जाता है? तो किस वस्तु से खेड़हर देवी का निर्माण किया जाता है? लकड़ी से किया जाता है, ठीक है ना, लकड़ी से जो है मनाया जाता है, इसी की पूजा की जाती है, ठीक है, और ये सब राउतों के द्वारा किया जाता है माता त्यौहार। अगला है दोस्तों, गणेश मिश्र का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गणेश मिश्र छत्तीसगढ़ के क्या हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और अन्य चित्रकारों का भी देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कल्याण प्रसाद शर्मा जी हैं, ए के दानी जी हैं, निरंजन जी है, है ना, और प्रवीण शर्मा जी हैं, ये सब ध्यान में रखना चित्रकारों का नाम भी आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बस्तर का दशहरा अपनी लोकप्रियता के लिए विख्यात है, इसका शुभारंभ किन्होंने किया था? तो बस्तर का दशहरा मनाने का जो शुभारंभ है या प्रचलन जो है किन्होंने लाया था? पुरुषोत्तम देव ने, राजा पुरुषोत्तम देव जो थे बस्तर के, उन्होंने लाया था। चलिए अगली बात करते हैं, बस्तर का दशहरा कुल कितने दिनों तक चलता है? तो कुल कितने दिनों तक बस्तर का दशहरा मनाते हैं? 75 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें से प्रमुख रूप से 13 दिन होते हैं जो विशेष होते हैं। अब बस्तर का दशहरा के बारे में तो हालांकि बहुत कुछ चीज़ें बतानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो प्रथम कार्यक्रम होता है उसको क्या कहते हैं? पाट यात्रा कहते हैं। प्रथम जो रस्म किया जाता है उसको काछीन गादी कहते हैं। अंतिम जो रस्म होता है वो क्या होता है? मुड़िया दरबार होता है। इसके अलावा वहाँ पे जोगी बिठाई का भी कार्यक्रम होता है, जिसमें जोगी जो है हलबा जनजाति के व्यक्ति को बनाया जाता है। यहाँ पे हलबा जनजाति आपको ध्यान में रखना है। और एक विदाई रस्म की जाती है जिसको हम ओहाड़ी कहते हैं, ओहाड़ी कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, अलगोजा नामक वाद्य यंत्र का निर्माण किस वस्तु से किया जाता है? तो ये अलगोजा नामक वाद्य यंत्र जो है इसका निर्माण बांस से किया जाता है। ये बांसुरी नुमा ही एक वाद्य यंत्र होता है। और इस वीडियो की जो रिटर्न डिटेल आपको हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में प्राप्त हो जाएगी, वहाँ जाइए। और वहाँ जाके कुछ नहीं करना है आपको, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना है केवल, काफ़ी सरल सा चीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो है उसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी नोट्स मिलते रहेंगे पढ़ने के लिए, और आप अपडेट रहेंगे, तो बिल्कुल वहाँ जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के मुस्लिम समाज द्वारा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के मुस्लिम समाज का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? ताशा, ताशा जो है याद रखना है। अगला है और अंतिम प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र में 12 सिंगा का सिंग लगा होता है? तो किसमें लगा होता है, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है? गुदुम, गुदुम के अंदर जो है ऊपर 12 सिंगा का सिंग लगाया जाता है दोस्तों। तो ये था आपका छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहारों और वाद्य यंत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह। आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।